तीन चीजें जो आजकल के हर घर के अंदर बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इंटरनेट चाहिए होता है, वाईफाई या फाइबर जो भी बोल लो, वीडियोस देखने के लिए, मतलब मजे करने के लिए इंटरनेट पे, इंटरनेट जाना जरूरी है। उसके बाद एक सेटअप बॉक्स चाहिए होता है या फिर डीटीएच टीवी वगैरह देखने के लिए, भाई नंगा क्यों रहा है। और एक सिम कार्ड भी चाहिए होता है कॉल्स वगैरह करने के लिए और इंटरनेट यूज करने के लिए घर से बाहर। अब यूजुअली क्या होता है कि जितने भी कनेक्शंस है वो हम मतलब अलग अलग जगहों से लगवा देंगे, डीटीएच किसी और से लगवा रखा है, वाईफाई किसी और से लगवा रखा है, सिम कार्ड किसी और कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अलग अलग रिचार्ज भी करने पड़ते हैं। फिर भाई उसका रिचार्ज करना है 24 को, उसका बिल पेमेंट करना है 20 को, याद रखना पड़ता है सब कुछ। तो इसका एक बहुत ही सही जुगाड़ मैं तुमको दिखाता हूँ, एयरटेल ब्लैक। ये इस प्रॉब्लम का, नए जमाने की प्रॉब्लम का एक मॉडर्न सोल्यूशन है, नया सोल्यूशन। ये इसका बॉक्स है एयरटेल ब्लैक का। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें तुम कोई भी दो या उससे ज्यादा कनेक्शन जैसे मोबाइल, डीटीएच, फाइबर, लैंडलाइन एक ही प्लान में ऐड कर सकते हो, यानी कि एक ही बिल में ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत भी आती है किसी भी कनेक्शन में, जैसे टीवी नहीं चल रहा, स्पीड नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ भी है, मतलब किसी भी कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो एक ही नंबर पर फोन करना है। जैसे बिल एक आएगा वैसे ही कस्टमर के नंबर भी एक ही है, 1-1 याद भी हो गया होगा, इस पर कॉल करना है। और वो पूरे से पूरा तुम्हारे ट्राई करते हैं, डेडिकेटेड रिलेशनशिप टीम है एयरटेल ब्लैक में, पूरा ट्राई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मतलब और टाइम वेस्ट भी नहीं करते, 60 सेकंड के अंदर अंदर कॉल पिक होगा 1-1 पे। ये क्लेम है और ये बिल्कुल सही क्लेम, मैंने पर्सनली ट्राई किया, क्योंकि रोबोट बात नहीं करता कि ये करने के लिए एक दबाएं, वो करने के लिए एक दबाएं, सीधा एक इंसान से बात कराते हैं जल्द से जल्द, और वो पूरा ट्राई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर फोन पे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो वो फिर घर पे बंदा भेज देते हैं, और इसका भी कोई चार्ज नहीं है, बंदा जो आएगा इंजीनियर वो घर पे आके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई पैसे नहीं देने। और इवन शिफ्टिंग में अगर तुमको करनी है तो विजिट तो फ्री है, सर्विस विजिट, अगर तुम्हें शिफ्टिंग भी करनी, जैसे मेरा ये पहले एयरटेल ब्लैक गुड़गांव में लगवा था, अब यहाँ मैंने लगवाया, तो मैंने एयरटेल ऐप पर गया, मैंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मुझे शिफ्ट करना है इंटर सिटी दूसरे सिटी में, तो वो 24 घंटे में वहाँ पे अनइंस्टॉल करने के लिए आ गए मेरे उस वाले एड्रेस पे। और जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ के जो एयरटेल लोकल टीम है वो यहाँ पे 24 घंटे में या 48 घंटे में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर भी आ गए, तो मैंने इसके एक रुपये भी किसी को नहीं दिया। अब एक स्पीड टेस्ट भी करते हैं, वैसे मैं कर चुका हूँ बहुत सारे पहले, बट एक तुम्हारे सामने करता हूँ। तो 240 ऑलमोस्ट टच करी, मेरे प्लान में से 200 एमबीपीएस वाला, लेकिन स्पीड इसमें हमेशा 200 से ऊपर ही आती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें एयरटेल की कंसिस्टेंटली मैं नोटिस किया कि 200 से ऊपर आती है, और अपलोड भी 200 ऑलमोस्ट टच कर रही है, ठीक है, तो भेदभाव नहीं है कोई डाउनलोड अपलोड के बीच में, ये सही चीज़ है। तो इस एयरटेल ब्लैक प्लान में तुमको एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स मिलता है साथ में डीटीएच वाला छतरी के साथ, ठीक है। उसका मेन काम जो है, वैसे तो ये बहुत ही वैसे बहुत ही काम कर पाए, बट इसका मेन काम तो यही है कि तुम इसमें टीवी वगैरह देख सकते हो, सोनी हो गया, ठीक है, कलर्स वगैरह, कोई बिग बॉस देखना है किसी को, किसी को छोटा भीम देखना है, अपनी अपनी श्रद्धा है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वो तो मेन काम है इसका। उसके अलावा ये जो डब्बा है, तुम्हारा जो डब्बा टीवी होता है पुराने जमाने का, उसको भी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे उसमें नेटफ्लिक्स चलेगा, प्राइम वीडियो चलेगा, हॉटस्टार, Z5, सारी ऐप्स को तुम इंस्टॉल भी कर सकते हो, इवन इसमें प्ले स्टोर भी है, तो यहाँ से तुम और भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, गेम्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, चला सकते हो इसके अंदर सिर्फ इस डब्बे का यूज करके, ठीक है। टीवी चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि एक वाला टीवी जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम कोई भी ले सकते हो। और ये रिमोट में देखो अलग से बटन है, ये एयरटेल का ही रिमोट है जो साथ में मिलेगा तुमको, यूट्यूब का बटन अलग है, नेटफ्लिक्स का, प्राइम वीडियो का, इवन गूगल असिस्टेंट भी तुमको इसमें मिल जाता है। What's the weather in Gurgaon? Currently in Gurgaon it's 34 degrees and partly cloudy. तो इससे कुछ भी चुप हो जा, कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है वो इससे पूछ सकते हो, तो बताइए मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ। और ये जो OTT ऐप्स है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार, इनका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भी तुमको इस प्लान में या तो डिस्काउंट पे मिल जाएगा या फिर फ्री भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे तुमने प्लान कौन सा लिया। जैसे मुझे प्राइम वीडियो और हॉटस्टार फ्री मिला क्योंकि मेरा प्लान वैसा है। और ये जो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स है करीब ओरिजिनली 4000 रुपये का आता है, लेकिन एयरटेल ब्लैक में टेक्निकली फ्री मिल जाएगा, मैंने 1500 रुपये दिए इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो, जो कि वापस मिल जाएगा एक साल के बाद जब मैं बॉक्स वापस करूंगा। तो एक तरह से फ्री है और बहुत सारे फीचर्स भी हैं उसके अंदर, मैंने तुमको दिखाई दिए, एंड्रॉइड पे चलता है वो, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और 4K प्लेबैक भी सपोर्ट करता है HDR के, मतलब टीवी देख लो जब। इवन गेम्स भी तुम कास्ट कर सकते हो अपने फोन पे चल रहा है और फिर वो कास्ट हो रहा है एक्सट्रीम बॉक्स यूज करके, और ऐसे कोई कंट्रोलर तो वो भी यूज कर सकते हो कनेक्ट करके फोन से। उसके बाद मतलब ठीक है, काफी क्वालिटी उस लेवल की नहीं आएगी, बट स्टिल मतलब चल रहा है, मतलब बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के पैसे के और तारों के झंझट के। बाकी इसके जो प्लान्स है वो 990 से स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने नीचे लिंक भी दे दिया एयरटेल की वेबसाइट का, तुम वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लान्स है, खुद देख सकते हो और तुम खुद से बना सकते हो खुद का प्लान। और जो मेरा प्लान है वो है 2099 का, जिसमें एक तो मुझे फाइबर कनेक्शन मिला 200 MBPS वाला, एक मुझे DTH कनेक्शन मिला है और एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स बेसिकली टीवी देखने के लिए, एक मुझे सिम कार्ड मिला जिसमें करीब 250 GB डेटा था और वो डेटा रोल ओवर हो जाता है, बेसिकली मैंने यूज़ नहीं किया, 250 में से 100 GB यूज़ किया, तो बचा हुआ 150 GB अगले महीने ऐड हो जाएगा, वो उड़ेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा। जो सिम कार्ड है तुम अप टू 3 ले सकते हो, मतलब खुद के लिए अलग, पापा के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए अलग, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, एक लो दो लो वो मर्जी तुम्हारी, नंबर भी तुम उसका खुद से चूज कर सकते हो, मतलब लिस्ट आती है उसमें जो नंबर पसंद है वो तुम चूज कर सकते हो। तो काफी आई थिंक काम का सेटअप है, काम की चीज़ है और रिलायबल भी, क्योंकि एयरटेल तरफ से आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो और एयरटेल ब्लैक के मेंबर बन सकते हो लिंक पे जाके। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज नीचे लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और दोस्तियों के साथ में भी, जिनको तुम लगता है कि ऐसा कोई सेटअप करना चाहिए अपने घर के अंदर, या मेरा थोड़ा रहा हो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पीछे कर लेना, तो अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।